कौन सी फिल्म ने 1975 में बना दिया था इतिहास, आइए जानते हैं इस बारे में। दरअसल बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में लिखी गई जो आज तक लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। इनमें से एक फिल्म ऐसी है जिसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। बता दें कि साल 1975 बॉलीवुड के इतिहास में एक अनोखी दास्तान लिखी गई। फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी, प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी और सलीम जावेद की शानदार स्टोरी के साथ पर्दे पर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऐसी साबित हुई कि आज भी लोग अपनी दोस्ती को जय वीरू की दोस्ती से कंपेयर करना पसंद करते हैं। वहीं फिल्म में संजीव कुमार और विलेन के किरदार में नजर आए अमजद खान ने फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से जलवा बिखेर दिया था। सालों पहले बनी इस फिल्म के गाने और डायलॉग्स के साथ फिल्म के किस्से आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। बात कर रहे हैं रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी ऐतिहासिक फिल्म शोले की। कल क्लासिक फिल्मों की जब जब बात होती है तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर मल्टी स्टारर फिल्म शोले का नाम आता है, जिसके किरदार ही नहीं डायलॉग्स और गाने 5 दशक के बाद भी लोगों को याद हैं। गब्बर, ठाकुर, जय वीरू और बसंती वो किरदार हैं जिन्होंने दिलों पर राज किया। बसंती का किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी ने अपनी अदाओं से फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। इस फिल्म में उनके एक्टिंग को देखने के बाद लोग उनकी अदा के दीवाने हो गए थे। 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म भारत के 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में 25 हफ्तों से ज्यादा टिकी रही थी और सिर्फ भारत में 35 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बता दें कि फिल्म को दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित रामनगर के बीहड़ परिदृश्य में फिल्माया गया था और इसे पूरा होने में करीब 2.5 साल का समय लगा था, जिसके बाद फिल्म शोले ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। इतना ही नहीं, इस फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। इसके अलावा फिल्म ने भारत भर के कई सिनेमाघरों में लगातार स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड भी बनाया और मुंबई के मिनावरा थिएटर में 5 साल से अधिक समय तक चली। फिल्म के डायलॉग मौसी से लेकर तुमसे ना हो पाएगा तक आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि फिल्म की स्टोरी से लेकर डायलॉग्स तक आज भी इतने फेमस है कि लोग अपने दिलों से इस फिल्म की कास्ट, डायलॉग्स और गानों को भुला नहीं पा रहे हैं। शोले को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है, जो भारतीय सिनेमा के लिए अपने आप में एक नोटेबल अचीवमेंट है। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।